देखिए, कौन यहाँ से जाना चाहे वो तो कांग्रेस की बात है, किसमें खुशी है और किसमें दुखी है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ियों की बात ही नहीं करते हैं बल्कि ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए सब कुछ करती है। आज आप देख लो कि जो भी यहाँ पर लाभ अर्जित, बड़े बड़े जो काम यहाँ पर चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसमें छत्तीसगढ़ियों का केवल नाम बढ़ाया जाता है, नाम लिया जाता है, लेकिन लाभ जो है बाहरी व्यक्तियों को मिलता है। राज्यसभा जब सीट की बात आई तो बोले कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, आपका मामला है, आप रखें। लेकिन छत्तीसगढ़ियों का कितना हित है ये आज नहीं, कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। इनको छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए सांसद के व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं मिलते, बाहर से नामांकित किया जाता है। और बाहर से जो नामांकित किया जाता है ये कांग्रेस का मामला नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के कोटे से जाता है, उस राशि में छत्तीसगढ़ियों का अधिकार है। उस राशि का खर्च कहाँ पर होता है, मोसीना किदवई जी रहे उनके रहे हैं, उसके बाद में KTS तुलसी जी हैं, उस राशि का खर्च कहाँ हो रहा है ये छत्तीसगढ़ियों को जानने का अधिकार है। तो केवल छत्तीसगढ़ियों के नाम से उनका शोषण ना करें, उनको लूटने का प्रयास ना करें, बल्कि हम चाहेंगे कि ये दोनों सांसद जब जब रहे हैं कितना उसका राशि का खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, इसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। और जब छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी को क्यों नहीं नियुक्ति होनी चाहिए, इस बात के छत्तीसगढ़ी लोग जरूर इस बात को रखेंगे। प्लस रहेगा 2018 में आपका 65 प्लस था, इस बार क्या है? देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है और जिस प्रकार से कमीशन की सरकार है, भूपेश बघेल माने ना माने, जनता इस बात को बोल रही है, सस्पेंड करने के बजाय अधिकारियों को हटा रहे हैं, राजस्व का अंबार मामले का लगा हुआ है, करप्शन का मामला बढ़ा हुआ है, इनके योजनाएं सारी फेल हो गई है, ये सरकार का जाना तय है। और उस समय हम लोग बता देंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं गोड़ बात करने के लिए, तो सब लोगों को आमंत्रित करना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं। लेकिन कोई मुख्यमंत्री जाए और उसके पहले विरोधी दल के नेताओं को यदि थाने में बैठा लिया जाए, उनको बंदी की तरह प्रस्तुत किया जाए और सवेरे से लेकर रात तक तो उनको छोड़ा ना जाए, आखिर ये कौन से संविधान में दिया गया है कि कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो विरोधी दल के नेताओं को आप बैठाएंगे? इसका मतलब यह है कि भूपेश बघेल डर रहे हैं। जिस प्रकार से कमीशनबाजी की बात जनता से आ रही है, ये लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ सरकार की, यदि मुख्यमंत्री हमारे भी जाते थे लेकिन किसी नेताओं को बंद नहीं करवाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री में शायद साहस नहीं है कि जिसके कारण में लोगों का सामना कर सके। तो सामना नहीं कर सकते तो फिर अपने अनुकूल लोगों को बुला करके बैठाने के और हाँ में हाँ भी भराने के, इससे मुझे लगता है कि जनता को या प्रदेश को कोई लाभ मिलने वाले नहीं है। बल्कि वहाँ तो खुल के लोग अपना विचार रख सके, ऐसे लोग जब वहाँ पर जाएंगे और जिनकी जो जरूरत है वो जब बात करेंगे तो सरकार की योजनाओं को पता लगेगा, असलियत भी सामने आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री इससे घबरा रहे हैं और इसके कारण में ये जो बैठा रहे हैं, मैं ऐसे कार्यों के मुख्यमंत्री के जो कृत्य है उसकी हम निंदा करते हैं कि विरोधी दल को प्रताड़ित करना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि मिशन 71 तैयार करने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको तो ये तैयार करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस को यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो छत्तीसगढ़ को यदि बचाना है तो यहाँ से कांग्रेस की सरकार को भगाना पड़ेगा। और कांग्रेस को सरकार भगाने के लिए इनके जो जितने इनके कारनामे हैं, इनके चरित्र हैं, उसको जनता के लिए करके सामने हम जाएंगे। भारतीय संविधान पर विश्वास करें, मैं उनसे बात करने सुकमा आ जाऊंगा या वो जहाँ कहे वहाँ आ जाऊंगा। देखिए, इस 3 साल के पूरे जब कार्य देखेंगे घटनाक्रम को, तो घटनाक्रम को देखने के बाद में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटना टेक चुकी है। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है, और इसका जो परिणाम है आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं, घटनाएं को घटित कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं उसको लेकर के उखाड़ रहे हैं, उपकरण उनके जलाए जा रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये घुटना टेक चुके हैं।
क्योंकि नक्सलियों का ये सामना करना चाहते नहीं है, दाएं बाएं करते रहते हैं और स्पष्ट बातें करने से बचते हैं। दुखद पूर्ण पहलू है कि बिलासपुर जेल में अभी 2 दिन के अंदर में 2 कैदियों की मृत्यु हो गई। एक जो यादव की मृत्यु हुई, उसके शरीर के ऊपर में पूरे चोट का निशान है, और जब उसके घर वाले उचित मांग कर रहे हैं तब ये सरकार हिला वाला कर रही है। और उसके बाद में दूसरा जो मौत हुआ है, तो ये बताया गया कि कुत्ते के काटने से मौत हुआ। उसके परिवार वालों का आरोप है कि जेल में कब उसको बंद किया गया इसकी जानकारी नहीं है, उसको सिम्स अस्पताल में कब भर्ती किया गया वो जानकारी नहीं है, कुत्ता ने उसको कब काटा ये जानकारी नहीं है, और सीधा उसकी मौत होने के बाद में सूचना दी जाती है कि इसका मौत हो गया कुत्ते के काटने से। एक अजीब प्रकार से जो घटना सामने आ रही है, पूरे परिवार वालों में इस बात को लेकर के आक्रोश है, उसके न्यायिक जांच होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी की आवश्यकता है कि जिसमें सच्चाई आ सके। लेकिन एक प्रकार से जेल में इस प्रकार के जो मृत्यु हो रही है संदेहास्पद स्थिति में, स्वाभाविक रूप से पूर्व पुलिस के ऊपर और जेल के ऊपर में वहाँ के अधिकारियों के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसकी हो और उस परिवार वाले को न्याय मिले, उसकी मैं मांग करता हूँ। भुगतान भी है, बहुत सारी बातें। मनरेगा मूल रूप से केंद्र सरकार की योजना है और ये गरीबों के लिए है कि लोगों को पलायन करना ना पड़े। इस गर्मी के समय में कोई दूसरा काम नहीं है तो लोगों को गाँव में रोजगार मिल जाए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मनरेगा के महासंघ के द्वारा जो धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया अपने मांगों को लेकर के, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है और आज मनरेगा के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में ठप है। जब गांव में जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि एक तो काम नहीं है और काम के बदले जो राशि मिल रही थी वो भी समाप्त हो गए हैं। ऐसे समय में केंद्र के द्वारा जो राशि दी जाती है उस राशि का सदुपयोग भी नहीं हो पा रही है, पर संपत्तियों का उसे निर्माण होता है वो कार्य भी बंद है, और एक प्रकार से ये सरकार केवल केंद्र के ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन जब राशि दी जाती है तो उन राशियों का, केंद्रीय योजनाओं का, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उसका हस्र हो रहा है, आप देख रहे हैं कि गरीबों के हित में और परसंपत्तियों के हित में जो कार्य होना चाहिए, केवल राज्य सरकार के अड़ंगेबाजी के कारण में ये कार्य बंद पड़े हैं। और इसका प्रदेश के लाखों जो मजदूर हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो काम करते हैं, जिसका मजदूरी का भुगतान होता है, मैं कह सकता हूँ ये न्याय योजना की बात करते हैं चाहे गोबर की हो या जो अन्य योजना की बात करते हैं, उन सारी योजना को भी मिला दोगे तो उससे ज़्यादा भुगतान इस मनरेगा के राशि से गरीब आदमी को मिलती है, जिससे उनको वंचित किया जा रहा है। भाषा शिष्ट होनी चाहिए और शिष्टता के साथ में हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की मैं बात करूं, तो आपको मालूम होगा कि उनके एक मंत्री का लगातार इस प्रकार के वीडियो वायरल हुए हैं। तो जब मंत्री का वीडियो वायरल हुए तो संसदीय सचिव तो बोल ही सकता है ना, तो ये कहा जाए कि उनके संस्कृति में है, और जब संस्कृति में है तो मुझे लगता है उसमें मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनकी भी गरिमा है, अपने को काम कराते हैं नहीं करते, अपन बात भी करते हैं उनसे, लेकिन रे बे का शब्दों का यदि गाली गलौज का उपयोग करें तो मुझे लगता है उचित नहीं है। बाकी शब्दों को तो जैसा अधिकारी भी बैठक में लेते हैं, मंत्री भी बैठक में, अपन भी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कड़ा शब्दों में बात करनी चाहिए। गाली गलौज के अलावा बहुत सारे शब्द हैं, मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। कसा जा रहा है कि बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी 2023 में? देखिए, कांग्रेस ने 2018 पे किसके चेहरे पर चुनाव लड़े आपके सामने में है, उसके पहले इन्होंने 10 साल किसके चेहरे पर चुनाव लड़े आपके सामने में है, इसलिए इतने घमंड करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। 2023 में ये मैं कह सकता हूँ कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा वो बात मैं नहीं करता, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप लोग 2023 किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, किसके चेहरे पार्टी चुनाव लड़ेगी,
और पार्टी जब चुनाव लड़ेगी, हमारे नेताओं ने बोल चुका है, मुझे लगता है बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चुनाव होने के बाद में विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, केंद्रीय हमारे पर्यवेक्षक आते हैं, और पर्यवेक्षक आने के बाद में बहुमत दल के विधायकों से बात की जाती है, जो नाम आते हैं उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। इसलिए कांग्रेस जो बार बार चेहरे की बात करते हैं ना, अभी उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे से कांग्रेस चुनाव लड़ी है, बाकी प्रदेशों में किसके चेहरे से चुनाव लड़ी है, तो कम से कम सूपा बोले तो बोले, चलनी तो मत बोले जिसका 100 जगह छेद हो, और कांग्रेस बोले तो उसके मुंह से शोभा नहीं देती। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।